गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू द मिस्टिक। मैं हूँ सोनू, ये है राकेश, ये है जेबीएल। अब हम नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने, एंड आज हमको देर हो गई है। आई थिंक प्रोबेबली इन द पास्ट सो मेनी इयर्स दिस इज द मैक्सिमम लेट हम उठे हैं, एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। गुड मॉर्निंग रोहन, पेपर भिजवा देना। तो अभी यहाँ हम ऊपर जा रहे हैं नाश्ता करके, और राकेश वही हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे कि आज के दिन थोड़ा बारिश रुकनी चाहिए, थोड़ा सा थमनी चाहिए ताकि हमारा शिफ्टिंग हो सके। पर कल तो वुडवर्क ही इतना था कि फिर तो नहीं हो पाया शिफ्टिंग, तो वो एक चीज़ थी। दूसरा, मुझे न्यूज़पेपर भी ले जाना था, और आप देख सकते हैं कि मुझे ये कैप्सूल लिफ्ट में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो एकदम से हम लोग आसानी से हम लोग ऊपर आ सकते हैं। और उससे ना टायरिंग भी बहुत कम रहता है, क्योंकि अभी वी नीड ऑल द ताकत टू डू द शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि शिफ्टिंग करना एक बात है, दूसरा ये है कि आपको उसको अनपैक भी करना होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बस रूम में पहुँच चुके हैं और अंदर चले हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर, खाना शेफ ने हमारे मन पसंद एकदम होम स्टाइल बनाया कूल था। कोल्ड शेफ सिंह है उनका नाम, और मिस्टर बहुत सिंह। ही अच्छे से एकदम प्रेम से, आप खुद जैसे हम घर में देखते हैं ना, ऐसे एक एक रोटी ला के देना, गरम गरम बहुत ही बहुत अच्छा मजा। था। तो अभी क्या क्या उधर हो गया है राकेश काम? उधर देखो, किचन ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, ठीक है, लकड़ी में। बेडरूम वो कर रहे हैं मिस्त्री जी अभी, और एसी का भी पीसीबी रिपेयर होके आ गया है, जो मैंने बताया था अपने वो ब्लॉग में पहले कि अच्छा, रिपेयर होने गया है, वो रिपेयर होके आ गया है और अभी वो फिट कर रहा है। और अभी वहां पर वो ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं, फाइबर ब्रॉडबैंड। तो उनको मुझे राउटर जो मेरे पास घर पे रखा हुआ है वो लाके देना है। तो मैं 2 मिनट रुकूंगा पुराने घर पे, वहां से राउटर उठाऊंगा और और वो नए तुम घर क्या पे बता रहे थे, चलेंगे। वो बड़ा सा डिश लगाया है तो टाटा स्काई नहीं लगा सकते? वो उन्होंने सेंट्रलाइज एयरटेल कर दिया है, एयरटेल टीवी, तो बोल रहे हैं पूरा कि पूरी पूरे बिल्डिंग में वही यूज होगा, बिल्डिंग में, हाँ, वायरिंग करके पूरा वो लगा दिया इंटरनेट और उन्होंने। टीवी हाँ दोनों। हाँ नहीं, इंटरनेट तो मैंने लगवा लिया क्योंकि इंटरनेट एयर फाइबर एयरटेल फाइबर में टाइम लगेगा बहुत, लेकिन मुझे ना ओ तुरंत चाहिए ना ब्रॉडबैंड, तो अच्छा मैंने एऑन ब्रॉडबैंड करके एक है वो लगा लिया है। अच्छा 50 Mbps अभी मैंने इनिशियली लिया है, अगर अपने को ज्यादा लगेगा तो इट्स अ प्रीपेड, मैं उसको बैंडविड्थ बढ़वा लूंगा। हाँ, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रू निकाल दिया क्या? स्क्रू निकाल दिया, ये पंचर था और बहुत सारे टायर वाले ये उनको दिख नहीं, पता नहीं लग पा रहा था कि पंचर है, अभी इन्होंने एक बार में पकड़ लिया। देखते हैं अभी क्या क्या लग गया है, क्या क्या बाकी है। ये एसी लगा हुआ है ऐसे, और आपको बाहर का भी नजर आ रहा है। बारिश हो रही है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। अब अंदर देखते हैं क्या है हालत। ये शायद इंटरनेट वाले भैया हैं, ये इंटरनेट लगा रहे हैं, और ये भी हो चुका है यहाँ पे। ये है एऑन ब्रॉडबैंड वाले, तो ब्रॉडबैंड लग गया है, अभी रिचार्ज करके थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। एसी हॉल का भी लग गया है, किचन में काम चल रहा है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन नीचे का ऑलमोस्ट डन है सब। यहाँ लकड़ी की कटाई चल रही है, ये छोटा बेडरूम है। ये बाबा हमारे जो फेवरेट मिस्त्री हैं, ये ऊपर चढ़ के ठोक ठोकाई कर रहे हैं, मतलब फाइनल लॉक के दरवाजे लगा रहे हैं।
तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, हम लोग की गाड़ी एक ऐसी जगह अटक गई थी, P2 से हम पार्किंग 2 से पार्किंग 1 में जा रहे थे, पर ये गाड़ी एकदम बीच में लगी थी। तो राकेश थोड़ा सा इरिटेटेड हो गया था कि क्यों इन लोग बीच में लगाते हैं, और बहुत ढूंढ रहे थे लोग। तभी मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ शॉर्ट्स ले लेती हूँ, तो मैंने कैमरा निकाला, ऑन किया, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो सामने से ये भाई इस तरह से गणपति लेके आ रहे थे। और जैसे ही मैंने देखा कि गणपति जी जा रहे हैं, विसर्जन हो रहा है उनका, तो मेरा एकदम से, मेरे को ऐसा एकदम खुशी हुई, और देखा तो पापा के दर्शन भी हो गए, और एकदम हम लोग ने बोला नहीं ठीक है, इट्स ऑल राइट, होता है कभी कभी। और बस उसी से हम लोग एकदम, फिर हम लोग अपना गाड़ी लेके तुरंत उन लोग भी निकल गए और तुरंत हम भी निकल गए। बट इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो अब आ चुके हैं हम लोग वापस होटल, और वहाँ पर हो गया है काम। मैंने आपको दिखाया भी है फुटेज में कि है, थोड़ा काम हो गया, मगर फिर भी थोड़ा सा काम बाकी है लकड़ी का ही, तो वो कल उसको कंप्लीट करेगा जो थोड़ा है, और कल हम लोग मोस्टली शिफ्टिंग भी कर जाएंगे। तो अभी हम लोग नए घर से आ गए हैं वापस होटल में, और हम लोग बैठे हैं अभी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे कुछ खाने का ऑर्डर करने वाले हैं। और ये है रही सोनू। हेलो। सोनू का थोड़ा गले का थोड़ा सोर थ्रोट है, प्रॉब्लम है, हल्का सा कुछ हो रहा है शायद, एसी की ठंडक बहुत एसी ज्यादा की है ना, ठंडक ज्यादा है जबकि हम या। लोग ने 2 दिन से एसी बंद रखा है। और ये रहा यूअर्स राकेश, और ये है सोनू बाल बनाती हुई। तो अभी हम लोग ने डिनर ऑर्डर कर दिया है। डिनर में हम लोगों ने बैगन भरता, फिर मिसी रोटी और फ्राइड दाल। देखते हैं आज का खाना कैसा है, क्योंकि शेफ सारे लोग को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन, हेड शेफ जो है उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन देके गया है कि हमारा खाना स्पाइसी नहीं होना। साहब ये यहाँ पर सू शेफ हैं, और बहुत ही अच्छा सर्विस। आओ विजय आओ, तुमने मुझे हार्ट अटैक दिया है। सुन लो सर, आपको वापस नहीं आना है, हार्ट अटैक मत दीजिए। अच्छा बैगन भरता पैकेज, अपना ग्लास ले लो। ओके दाल सर, मिसी रोटी एक साथ दे दिया। इस वेटर का नाम है विजय, और ये हमको फर्स्ट डे से अटेंड कर रहा है, और बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है। यहाँ पर एक सू शेफ भी हैं सिंह साहब, जो अभी आपको दिखाई देंगे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी सर्विस हम लोग को दी है, एकदम कस्टमाइज फूड, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आती है, जीरो स्पाइसी फूड एंड एक्सीलेंट। तो डिनर तो हम लोग ने नीचे कर लिया था, और अब हम लोग ऊपर आ गए हैं। गला थोड़ा ये हो रहा है, दवा मैंने खा ली, और अभी हम लोग कल के लिए एकदम गेयर्ड अप है, क्योंकि कल फाइनल शिफ्टिंग होनी है। तो अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हो तो। एंड आई विल सी यू टुमारो, गुड नाइट।